भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में युवा उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि त्रेता युग से ही कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के बीच में एक अभिनाभाव और एक अटूट संबंध है। उन्होंने कहा, गोरखपुर के गीता प्रेस के द्वारा पूरे विश्व में सनातन धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं तथा गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। उन्होंने मिशन 2022 के चुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं बल्कि ये चुनाव पूरे भारतवर्ष के दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार ने मोदी व योगी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की तरफ ले गया है। उन्होंने कहा, पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालय बने हैं, जहां एक तरफ सड़कों का जाल बिछा है, वहीं प्रदेश गुंडों व माफियाओं से मुक्त हो चुका है तथा राम मंदिर निर्माण में भी केंद्र व प्रदेश सरकार का अहम योगदान है। उन्होंने युवाओं से कहा कि आपका एक एक वोट कीमती है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है व कश्मीर में धारा 370 हट चुका है तथा नागरिकता संशोधन कानून लागू है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, सदर सांसद रवि किशन, मिस इंडिया मान्या सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, युवा मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री अखिल देव त्रिपाठी सहित अन्य कार्यकर्ता और स्टूडेंट मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मिस इंडिया मान्या सिंह ने कहा, चलो अध्यक्ष भाई प्रसाद सिद्धि से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि अभी स्वागत करते एक साथ देखिएगा सब लोग। थैंक यू सर। निवेदन करूंगा कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। सर थोड़ा सामने देख लीजिएगा, सामने भी देखते रहिएगा, इधर देखिए, सामने देख के सामने थोड़ा सर जी, ठीक है सर। थैंक यू सर। क्षेत्र के महामंत्री पवन जी से निवेदन कर उनका स्वागत करें। राज हम बड़ा प्रसन्न है कि हमारे संसद में हमारे साथी और एक ऐसा ओजस्वी वक्ता जिनका के प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और पूरा सदन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठ के बोला ना, इनकी उम्र पे मत जाइए, हम लोग भी जब सदन में थे तो हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि इतना यंग एज में ये जब खड़ा भाई ना, तो आज लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कब से लाइक करने लगा, मैं कभी से आपका मैं फैन हो गया। हम तेजस्वी जी के फैन हुए जब ये पहली बार सदन में खड़े हुए, और आप लोग सब युवा लोग हो, आप लोग देश के भविष्य हो, आप लोगों को ये बात बड़े गौर से सुनना चाहिए कि ये मैडनेस क्यों है, उनके पीछे ये पागलपन क्यों है पूरे देश में। परसों मैं बंबई उतर रहा था, ये भी पीछे जहाज से उतरने वाले थे, और एयरपोर्ट के बाहर हजारों
युवा भीड़ थी, मुंबई के सड़क पर हर जगह इनकी तस्वीर लगी थी। आज मैं भी मुंबई से आया हूं तो मैं पूरा मंजर देखा था, तो मैं सोच रहा था क्योंकि सदन में साथी के रूप में मैं हमेशा इनको देखता था, क्यों इनके पीछे पूरा देश, पूरा युवा आज इनको एक अपनी प्रेरणा के रूप में ले रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में सडनली एक जोश, एक प्रवाह आप लोग महसूस कर रहे हो, एक वाइब्रेंट सा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक पूरा पूरा एक जो फोर्स है मोर्चा का, वो बदल गया जब से तेजस्वी जी इसके अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। क्योंकि जब पहली बार सदन में खड़े हुए और पहली बार इन्होंने एक भाषण दिया, वहां ओवैसी भी था, वहां अपोजिशन के कुछ लोग भी थे, और ओवैसी जी जो थे उनको काट, इनका एक पलटवार था, और वो पलटवार था कि कैसे भारत का शोषण किया गया, कैसे भारत को लूटा गया, कैसे भारत को बिट्रे किया गया, कैसे भारत पे पीठ पे छुरा घोंपा गया। तब मैं इन पर बड़ा गौर किया कलाकार के रूप में कि इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इनके अंदर राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम है, ये बैंगलोर से पेशे से लॉयर है, यंग है, एनर्जेटिक है, वेल एजुकेटेड है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा और इस नए भारत की विचारधारा के लिए परफेक्ट चॉइस थी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनको बनाना। मैं चाहूंगा एक जोरदार गोरखपुर इनके लिए एक जोरदार ताली से इनका स्वागत हो, और धन्य है ये धरती की इन्होंने चुना, यहां पर ये पहली बार इनका ये आगमन है, हम लोग बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। पूज्य योगी महाराज जी की धरती, गुरु गोरखनाथ की धरती, इनका स्वागत है।
मंच पर उपस्थित यहाँ के सांसद रवि किशन जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, सुश्री मान्या सिंह जी, प्रिय युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, संचालन कर रहे वरुण गोयल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती जाना है उनको एक विशाल कार्यक्रम में, और वहां से वो लखनऊ जाकर फिर उनको दिल्ली जाना है, कल भी उनका एक कार्यक्रम। साथियों, बहुत सारी बातें आज इस अवसर पर युवा मोर्चा के तमाम नौजवान करना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ ही बातें आपसे जोड़ना चाहूंगा। साथियों, आज आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में युवोत्थान कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में मौजूद है। साथियों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आप आए हैं, तो आपको यह जानकर फख्र होना चाहिए कि आप एक ऐसे दल के बैनर के नीचे हैं। यह दल किसी के पापा की पार्टी नहीं है, ये हमारी आपकी अपनी पार्टी। साथियों, आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी बैठे हैं, इनका कोई पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। आपके माता पिता या परिवार के अन्य लोग राजनीति में नहीं थे, लेकिन एक सामान्य परिवार से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद बनने का ये हौसला, ये जिम्मा, ये हिम्मत, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देती है। ये गौरव का विषय हम लोगों के लिए। साथियों, वैसे तो तमाम सारे विषय, लेकिन कुछ विषयों की चर्चा नौजवानों के बीच में करना चाहता हूं। जब हमारी सरकार नहीं थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हर तिराए चौराहे पर वसीम, जाफर, अकरम इस तरह के नौजवान होते थे। नाम इनका ये होता था, हाथ में कलावा और तिलक लगाते थे, हमारे बहन बेटियों को छेड़ते थे, उनके माता पिता की मौजूदगी में छेड़ते थे, उनके भाई की मौजूदगी में छेड़ते थे, और परिवार के लोग खून का घूंट पीते थे, या फिर अगर मुकाबला करते थे तो जेल में डाल दिए जाते थे। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारी बहनें, अगर कोई ये पहली बात तो ऐसी हिमाकत नहीं करता है, तो मार मार के चप्पल ठीक कर देती है। ये नौबत आदरणीय योगी जी ने, ये नौबत योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आई है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि बाबा जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। अरे, लैपटॉप तो बहुत छोटी सी बात है, पूछो मुख्तार से, पूछो अतीक से, पूछो अपराधी से, बाबा जी को क्या क्या चलाना आता है, किसकी गाड़ी पकड़ना आता है। बाबा जी को वो सब कुछ चलाना आता है जो किसी भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को चलाना चाहिए, वो सब कुछ बाबा जी को चलाना आता है। अरे, आप कितना गिनोगे? आप जिन्ना की तुलना योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, आप जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने लगे हो। आपको मुस्लिम वोट बैंक की इतनी पीड़ा होने लगी है कि इस देश को मजबूत करने वाले, एक करने वाले की तुलना इस देश के टुकड़े करने वाले लोगों से करने लगे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए, कोई कल्पना नहीं हो सकती जैसी बातें तुम लोग करने लगे हो। साथियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार नहीं थी तो पुरानी सरकार में कांवड़ यात्रा निकलती थी, उस पर लाठी चलती थी, गोली चलती थी, गुम्मे चलते थे, कांवड़ यात्रियों को जेल में डाला जाता था। योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आज फूलों से उनका स्वागत होता है, कांवड़ यात्री मान सम्मान के साथ अपनी यात्रा करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में एक घटना हुई थी। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। जब तालिबान का शासन आया तो वहां पर जो भले लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज में चढ़कर जाने लगे। हवाई जहाज जब पूरे भर गए तो हवाई जहाज में लटक लटक कर अपनी जान बचाने लगे। हवाई जहाज जब चलता है तो उसकी रफ्तार आप जानते हो, उस चलते हुए हवाई जहाज से लोग ऐसे गिर रहे थे जैसे आम के पेड़ से आम गिरते हैं, ऐसी नौबत उस देश में आ गई। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में भी तमाम लोग ऐसे हैं जो तालिबान का शासन चाहते हैं, जो चार बीवियां और 40 बच्चे पैदा करके देश की आबादी का संतुलन चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों के बीच में और हमारी राष्ट्रवादी ताकतों के बीच में अगर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है तो आदरणीय योगी जी खड़े हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कांशुदत्त द्विवेदी जी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकप्रिय सांसद, जिनसे परिचय होने क्षण से उनके बारे में एक विशेष रूप का अभिमान और प्रेम मुझे दिया है, ऐसे लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री पुरुषार्थ सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भाई वैभव सिंह जी और कार्यक्रम में पधारे गोरखपुर क्षेत्र से आए सभी युवा बंधुगण, साथियों, आज गुरु गोरखनाथ जी के पुण्य धरती गोरखपुर पे आना सौभाग्य मुझे मिला है। मैं कर्नाटका से आता हूं। मैं पिछले बार जब अयोध्या में आया था, प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारा मुलाकात हुआ। तब महाराज जी ने गोरखपुर के ये नाथ संप्रदाय के जो ये मठ है, इसका जो संबंध कर्नाटका के कोस्टल रीजन में जो धर्मस्थल के मंजुनाथ स्वामी जो मठ है, इन दोनों के सहस्रार सहस्रार सालों से जो संबंध निकल आया है, अटूट संबंध है, उसका बारे में उसके बारे में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उल्लेख किया था। उन्होंने बोला था कि त्रेता युग से आज तक कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के बीच में एक अविनाभाव, एक अटूट संबंध है और ये संबंध गोरखनाथ मठ से हमको दिखाना था। साथियों, गोरखपुर एक पुण्य भूमि है। इस धरती से देश और विदेश में हर एक हिंदू के घर में जो भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत के जो किताबें होते हैं, वो इसी पुण्य धरती गोरखपुर से गीता प्रेस के माध्यम से देश भर और विदेश भर में धर्म प्रसार और प्रचार का कार्य चल रहा है। ऐसा पुण्य धरती पर आना मुझे सौभाग्य आज पार्टी ने और युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र ने मुझे दिया है। मैं इसलिए प्रांशु जी को, वैभव जी को और सभी मेरे युवा मोर्चा के साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र का भविष्य नहीं, उत्तर प्रदेश का भविष्य नहीं, इस चुनाव पूरे देश का, भारतवर्ष का भविष्य को निर्भर करने वाला, निर्धार करने वाला चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। पिछले 5-6 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार तेज गति से प्रगति को हासिल करने के लिए काम किया। नए विश्वविद्यालय का स्थापना हो, मेडिकल कॉलेजेस का स्थापना हो, उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर नए नए एक्सप्रेसवे का बनाना हो, लॉ एंड ऑर्डर पर ठीक
से कंट्रोल स्थापित करने का जो इंपॉर्टेंट मुद्दे है वो करना हो, या काशी, मथुरा, वाराणसी, ऐसे प्रमुख प्रमुख स्थानों पे सांस्कृतिक जागरण करने का महत्वपूर्ण काम हो, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का स्थापना का काम हो, ये सब काम पिछले 5 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मा है कि ये सब जो तेज गति से प्रगति हो रहा है इसको और आगे बढ़ाने के लिए और तेज गति इसको प्राप्त करने के लिए हम सब इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। साथियों, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन ऑल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश इज द यंगेस्ट स्टेट इन ऑल ऑफ इंडिया। इफ उत्तर प्रदेश स्टैंड्स, इंडिया स्टैंड्स। इफ उत्तर प्रदेश बिकम स्ट्रांग, भारत बिकम स्ट्रांग। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के भविष्य निर्माण में, मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं साथियों, ऐसे नेतृत्व शतमान में एक बार आता है। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है ये शतमान में एक बार आता है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट सच लीडरशिप रिपीट्स एंड कंटिन्यूस। ये आप सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथियों, में सुन रहा था 2-3 दिन पहले जनाब अखिलेश जी ने इधर आया था। मेरा साथी एक वीडियो क्लिप मुझे व्हाट्सएप में भेजा था। जनाब अखिलेश ने उधर भाषण में उल्लेख किया है बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। देखा है आपने? वैसे YouTube में कौन देखता है उनका वीडियो? WhatsApp में मेरा साथी भेजा था। मैं आज गोरखपुर से इस मंच से उनको बोलना चाहता हूं, पीछे घूम के दृष्टि घुमा के देखिए, बदलाव आ चुका है, बदलाव आ गया है। प्रदेश में बदलाव ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज द रेवोल्यूशन दैट उत्तर प्रदेश इज विटनेसिंग। साथियों, आप सोचिए 5 साल पहले कैसा था उत्तर प्रदेश का माहौल, करप्शन कैसा था, हमारे मां बहनों के सुरक्षा का विचार कैसा था। हमारे सांस्कृतिक विरासत, हमारे श्रद्धा केंद्र, हमारे मंदिरों का हालत कैसा था। आज सपा और जनाब अखिलेश ने परफ्यूम बांटकर उनके 5 साल के अवधि में जो दुष्कर्म दुर्गंध आया था उसको चपाने का कोशिश कर रहा है। जनाब अखिलेश सुनिए, ये परफ्यूम बांटने से आपके दुष्कर्म का दुर्गंध आप उत्तर प्रदेश के जनता से छुपा नहीं हो सकता है। देश, उत्तर प्रदेश और युवाओं के मनस्थिति बहुत बदल चुका है। थिंग्स हैव चेंज्ड। आज देश भर में युवा तेज गति से डेवलपमेंट चाहते हैं और उत्तर प्रदेश देश भर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल बन चुका है। हर दिन कर्नाटका के अखबार में, बेंगलोर के अखबार में, उत्तर प्रदेश में होने वाले, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसके बारे में कर्नाटका के लोग हर दिन बात करते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश का जो पॉजिटिव असर है देश भर में हो रहा है।
साथियों, बहुत सारे प्रदेश घूमने का, प्रवास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्ति दिया है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बीमारू प्रदेश जो उत्तर प्रदेश को कहना जाता था, ऐसे एक प्रदेश बीमारू से ब्रह्मोस मिसाइल तय करने का जो सफर किया है, वो देखने के लिए, सीखने के लिए आप उत्तर प्रदेश और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का डेवलपमेंट मॉडल चाहिए। 5 साल के जो सपा की सरकार थे साथियों, वो मियाओं के सरकार थे, वो मियाओं के सरकार थे। आदित्यनाथ जी के सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर चल रहा है। हमको ऐसे ही सरकार चाहिए, मियाओं का सरकार नहीं चाहिए। इस वाक्य को घंटा घोष से हर एक युवा इसको बार बार बोलना। साथियों, मैं बस आप सब लोगों को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव के जो फैसला होते हैं, नतीजा जो होते हैं, वो मोबाइल पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नहीं होता, ये फैसला बूथ पे हो जाता है, वोटिंग मशीन के अंदर होता है। मैं आप सब से अनुरोध करना चाहता हूं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हाथ और मजबूत कीजिए। आप अपने अपने बूथ पे नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन का काम आप कीजिए, हर एक युवा मतदाता के साथ आप संवाद कीजिए और उनको समझाइए उनका एक वोट का ताकत क्या होता है, इसके बारे में उनको समझाइए। आपके एक वोट के ताकत से 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी के सरकार चुना के आया, आपके एक वोट के ताकत से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो शक्ति मिला, आपके एक वोट के कारण से। साथियों, आपके एक वोट के कारण से 500 साल से जो हिंदुओं ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का जो सपना अधूरा था, वो आपके एक वोट के कारण से अभी भव्य राम मंदिर हो रहा है। आपके एक वोट के कारण से 370 हटा दिया, आपके एक वोट के कारण से ट्रिपल तलाक का अंत हो गया, आपके एक वोट के कारण से CAA का पारित हुआ। आप समझिए आपका एक वोट का शक्ति क्या होता है। आप हर एक उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ बात करिए, उनके मतदान के हक के बारे में उनको समझाइए और सब लोगों के साथ आप मिलके आने वाले चुनाव में और एक बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापना करने का शपथ आप सब लोग करिए। यही मेरा अनुरोध और प्रार्थना आप सब के साथ है। बहुत अच्छा लगा आज बस्ती में हमारे लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में सांसद खेल महाकुंभ, ऐसा बहुत बड़ा खेल समारंभ आज बस्ती में हो रहा है। आप सब लोग भी हो सके तो आने वाले 2-3 दिन में बस्ती में जाइए, कार्यक्रम का भव्यता को आप भी देखिए, कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं को प्रगति के पथ पे लाने का काम चल रहा है, इसको आप देखिए और साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश और नया भारत बनाने का जो हमारा सपना है, इसको हम सब मिलकर करेंगे। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ आप सब लोगों को हृदय से और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, युवा ही हमारे आगे का भविष्य है, क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आगे का आने वाला समय कैसे होता है वो हमारे युवाओं पे भरोसा है। तो उनका यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को आप लिमिट मत करिए, अपनी सोच को बढ़ाइए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही दुनिया के लिए आगे चल के नेक्स्ट प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे देश का भविष्य है। बस अपने आप को एजुकेट करिए, क्योंकि हमारे देश को एजुकेटेड लोगों की ज्यादा जरूरत है। आप जितना ही शिक्षित रहेंगे उतना
उतना ही आप अपने से नीचे के लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अपने आप को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था जब मैं मिस इंडिया जीती थी, तो और आज मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मुझे हमेशा से एक प्राउड मोमेंट होता है कि लड़कियों को मेरी वजह से प्रोत्साहन मिल रही है कि वो भी नेक्स्ट अपने लाइफ में सिर्फ मिस इंडिया नहीं कुछ भी कर सकती है, चाहे वो कहीं से भी आती हो। तो मेरे लिए यही मैसेज होगा कि मेहनत करिए, मेहनत के अलावा आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको हर कुछ कोई भी चीज़ मिल जाएगी।